rest of our gym. Congratulations to Mr. Abhay Sinha, being the Mr. Barak. Everyone, I hope सबको हिंदी में कंफर्टेबल होगा. सो आज जो हम लोगों ने छोटा सा एक प्रोग्राम अरेंज किया है, तो पहला है, फर्स्ट है हम लोग जो रिसेंटली जो गया प्रोग्राम, जो सेकंड मिस्टर बराक बेली आईबीबीएफ, अच्छा ठीक है, आईबीबीएफ, ओके. सो उसका जो कंपटीशन गया, उसके जो मेरे विनर्स थे, हमारे जो जिम के क्लाइंट्स थे, तो उनको फेलिसिटेट करने के लिए स्पेशली ये प्रोग्राम अरेंज किया. और फिर सेकंड जो हमारे और एक हम लोग के साथ है मिस्टर निरंजन सिंह, सो उसको भी फेलिसिटेट करना है. एंड थर्ड लास्ट में है हम लोग का पार्ट, हम लोग का एनिवर्सरी है, तो उसका एक छोटा सा एक स्मॉल सेलिब्रेशन. सो पहले हम लोग शुरू करेंगे फेलिसिटेशन प्रोग्राम से. सो मैं उसके लिए सबसे पहले आई वुड लाइक टू फेलिसिटेट मिस्टर निरंजन सिंघा, जो फेलिसिटेट करेंगे उनको हमारे एमएमए कोच मिस्टर रोशन इरम. यो चैंपियन. इसलिए तो मैं इसको एमएमए के बारे में बताता हूँ, मतलब क्या मेडल लेके आया निरंजन. तो इस बार एशिया पैसिफिक चैंपियनशिप हुआ था थाईलैंड बैंकॉक में, तो उसमें उसने पटाया अलग अलग जगह है, तो पटाया में इस बार एशिया पैसिफिक चैंपियनशिप हुआ था, तो उसमें हमारा निरंजन सिंह 65.5 केजी में खेला था स्ट्राइकिंग एमएमए में. तो उसमें चार ओपोनेंट था उसका, वो भी सब थ्री ओपोनेंट था, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, टिमोर लेस्ट एंड कजाकिस्तान, और लास्ट का वाला किर्गिस्तान था, कजाकिस्तान था लास्ट वाला, पूरा एकदम खबीब लोग का पार्टी था, तो उन लोग को हरा के किर्गिस्तान को जो पहला मैच में हराया वो ईएफसी ईगल फाइटिंग चैंपियनशिप का, मतलब वो चैंपियन था, तो उसको हरा के उसने सबको हरा के उसने गोल्ड मेडल जीता है. तुम्हारा रिकॉर्ड कितना उठाया, सभी को बोलो कितना उठाया, क्या क्या मतलब कितना वेट वाज? मेरा तो टोटल उठाया मैंने 405 केजी उठाया. वाह, इसमें कितना स्क्वाट में कितना, डेडलिफ्ट 114 और बेंच प्रेस 90 एंड डेडलिफ्ट में 175. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. नेक्स्ट है दी लेडी बेस्ट ऑफ आवर जिम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दी फेस ऑफ केकेएस, मिस्टर किरण कुमार सिंघा. आई विल रिक्वेस्ट हिम टू फेलिसिटेट मिस
विजेता सिन्हा। ओ ओ विजेता। विजेता तुम भी बोलो कितना कितना क्या क्या और फीलिंग्स थोड़ा फीलिंग्स भी बोलो अपना फीलिंग्स भी शेयर करो सभी को। बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था तब मैं थर्ड पोजीशन पे आई थी और इस बार मुझे गोल्ड मिला फर्स्ट पोजीशन बिकॉज ऑफ दिस सर। और ये सब क्रेडिट जाता है दीप सर और किरण सर को और रोशन सर मोटिवेट करने के लिए। कितना कितना केजी उठाया था वो भी बोलो कितना कितना। स्क्वाट में मैंने 100 केजी उठाया था और डेडलिफ्ट में 90 और बेंच प्रेस में 45। वाह गुड गुड गुड। अभी नेक्स्ट ईयर मुझे ये पहले पता नहीं था, एक शांत सा लड़का आता था जिम में, मैं भी यहाँ पे बैठती थी, लेकिन वो अचानक से मिस्टर बोराक बन जाएगा वो मुझे पता नहीं था। रियली आई एम शॉक्ड और सरप्राइज भी हूँ और भी अच्छा भी लगा, ऐसे कुछ सरप्राइजेस मिलना अच्छा है जिम के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू मिस्टर अभय सिन्हा बींग दी मिस्टर बोराक। अबे कुछ बोलो अभी, कैसा फर्स्ट टाइम कंपटीशन था तो कैसा कैसा फील हुआ? फर्स्ट टाइम था मुझे इतना मतलब वो होगा बोल के मुझे मतलब पता ही नहीं था तो अच्छा लगा। ओके और गोल जीतने का एक्सपेक्टेशन था या क्या तुम्हारे अंदर में क्या एक्सपेक्टेशन था? मतलब तुम सोचा मतलब गोल जीतूंगा सोचा या तुम मतलब ऐसा ही सेकंड थर्ड होगा क्या सोच के उठा था वहां पे? ऐसा ही सोचा था मतलब कुछ भी नहीं होगा मतलब ये नहीं सोचा था, मिला वो अच्छा लगा। ओके प्रिपरेशन कैसा था वो बोलो सभी को। तो सर भी है और दीपाया भी है दीप सर मिलिक। ओके ओके सो नेक्स्ट क्या एक्सपेक्टेशन क्या मतलब और भी क्या गोल है वो भी शेयर करो सभी को। आसाम में खेलने के लिए बोला है जाऊंगा। ओके आसाम खेलेगा नेशनल भी खेलेगा और वर्ल्ड भी खेलेगा इन फ्यूचर। ओके ओके थैंक यू अभय सिन्हा। तो सभी हम लोगों के लिए एक एपिटोम है, एग्जांपल है, सभी विजेता अभय दीप सभी एग्जांपल है। मैं विश करती हूँ स्पेशली निरंजन सिंह। सो सबको मैं यही मेरी तरफ से ये ब्लेसिंग्स है सबके लिए कि सभी गोल्ड मेडल लाए, सभी इसी फील्ड में और भी आगे बढ़े क्योंकि सबको ही पता है एक मतलब ये नेग्लेक्टेड फील्ड है जो सबको ये क्वेश्चंस बना लेता है कि नहीं जिम में करता है वो बंदा अच्छा ठीक है जस्ट मतलब हम लोग उसको साइड में रखते हैं ऐसा है। बट जो एग्जाम्पल आप लोगों ने सेट किया विजेता भी एक लड़की होके भी वही सबके लिए एक एग्जाम्पल है वो भी। सो मैं विश करूँगी सभी एक ना एक मेडल लाए जिम के लिए भी अच्छा और खुद के लिए भी और फिर हम लोग के एरिया को रिप्रेजेंट करे वही बड़ी बात है ठीक है। So, हमारे व्यूअर्स को प्लस निरंजन सिंह जो आज हमारे बोलूंगी गेस्ट है सो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी आने के लिए एक छोटा सा ये भी मेरा ही कर सॉरी फॉर द इंटरप्शन मैं जस्ट दो मिनट के लिए कुछ बोलूंगा मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी मतलब स्पेशली निरंजन और दीप के लिए मतलब KKS फिटनेस में जब पहले आया था दीप सिंह और निरंजन सिंह मतलब दे वर द बिगिनर्स एट दैट टाइम मतलब बहुत ये थे मतलब बिगिनर्स थे जस्ट सीख रहे थे बहुत सब कुछ स्पेशली दीप भी और निरंजन अपने फील्ड में एमएमए में। सो दिस गाइज आर यू नो बहुत डेडिकेटेड मतलब यह है स्टूडेंट भी बोल सकते हो और क्लाइंट तो नहीं है स्टूडेंट ही है और लाइक मतलब अपने ड्रीम को चेस करने के लिए मतलब जैसे कि स्पेशली निरंजन मतलब लाइफ देखा मतलब पहले किसी को मतलब इतना सक्सेस होते हुए और दीप भी स्पेशली मतलब जो मैं हमेशा उसको गाइड करता था मतलब करता था और करता हूँ अभी भी करता हूँ स्पेशली मतलब अगर करियर मतलब फिटनेस में बनाया मतलब और दीप ने बाद में डिसाइड किया मतलब फिटनेस में अपना करियर बनाने को
और निरंजन पहले से मतलब वो ड्रीम था, मतलब वो एक एमएमए स्टार बने और आज वो बन चुका है अपना हार्डवर्क एंड डेडिकेशन के लिए। एंड हैट्स ऑफ टू निरंजन, उससे बहुत कुछ सीखा। इवन स्पेशली मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, आज जाके मैंने कैकेस जाके मैं कैकेस बना, उसके पीछे बहुत बड़ा स्ट्रगल था, लेकिन उसको उस स्ट्रगल को मैं मतलब निरंजन के सामने मैं बहुत कम समझता हूँ, मतलब मैं सचमुच का मतलब निरंजन को, स्पेशली निरंजन के पीछे हमारे रोशन सर तो है, रोशन सर ने बहुत मैं जो सच है वो बोल रहा हूँ सबको मतलब। लेकिन हाँ जैसे कि हम लोग मतलब ऐसे ऐसे ड्रीम तो हम लोग सभी देखते हैं ड्रीम, अभी आज निरंजन को देखो बहुत सारे अभी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इंटरनेशनल खेलता है निरंजन को, बहुत सारे लोग निरंजन को भी जान रहे हैं मतलब। तो वो बंदा जब आया था मतलब वो ज़ीरो था, मतलब ज़ीरो से उसने वो स्टार्ट किया था, मतलब अपना डेडिकेशन मतलब जैसा ड्रीम रखा था उस तरह से हार्डवर्क भी किया, मैंने खुद अपने दोनों आँखों से देखा और अभी भी देख रहा हूँ मतलब कितना हार्डवर्क करता है वो। दीप सिंह भी हार्डवर्क करता है अपने फिट अपने फील्ड में, जैसे कि एज ए फिटनेस कोच, जैसे कि वो अपनी सर्टिफिकेशन करने जाएगा कुछ दिनों के बाद, और हमेशा पढ़ता रहता है वो, ही इज़ ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग गाय। तो वही हम लोग अगर ड्रीम जैसा करते हैं, खाली ड्रीम करने से नहीं होगा, हम लोग को जैसे उसको चेज़ करने के लिए हम लोग को वो हार्डवर्क करना होगा। अगर हम लोग हार्डवर्क करेंगे तो हम लोग अपना ड्रीम को सक्सेस कर सकते हैं, और ये मैंने भी फील किया है और मैंने देखा भी है दूसरे को, स्पेशली बहुत सारे अभी को भी देखा है। अभी को पहले से बीच बीच में बोलते थे आप मिस्टर बोरक बनोगे, बोला था ना मिस्टर बोरक बनोगे। इस बंदे ने टी-शर्ट्स के अंदर इतना पैक्स रुकवा के रखा है, वो मुझे बता सकता है। तो वही है देखो, जस्ट ड्रीम को पूरा करने के लिए हम लोग को हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, बिना हार्डवर्क का कुछ नहीं होता है, और हार्डवर्क और सक्सेस का जो स्टोरी है वो एक दिन का नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, सक्सेस को हम लोग एक दिन में पाना चाहते हैं, और ये कभी पॉसिबल होगा भी नहीं, समझ रहे हो? मतलब वही है, हार्डवर्क को कंटिन्यू रखना है, कंसिस्टेंसी इज द मेन की, मतलब हम लोग सक्सेस को पाने के लिए हार्डवर्क करते रहना है जब तक हम लोग को सक्सेस ना मिले। फेलियर तो होते रहेंगे, फेल होते रहेंगे, लेकिन उससे हम लोग को डीमोटिवेट नहीं होना है, बस करते रहना है और एक दिन जाके हम लोग को सक्सेस मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो अभी हम लोग केक कटिंग करने जाएंगे, केक कट करेंगे। सो थैंक यू सो मच है कैलोरीज, लेकिन एगलेस है क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, सॉरी फॉर द नॉन वेजिटेरियन पीपल। एगलेस खाते हैं अभी, सॉरी टू द नॉन वेजिटेरियन। तो केक कटिंग करेंगे, तो हम लोग जो चार एथलीट्स है दो दो करके डिवाइड करेंगे, और हम लोग वो पीछे है तो छः आदमी दो दो करेंगे। हाँ दीप सिंह एंड निरंजन और विजेता एंड अभय। चलो अबे जाओ अबे ये आदमी नहीं मरेगा, ओनली केक मरेगा। एक्शन करते हैं, इट्स माइसेल्फ एंड दीप, वेरी 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 गुड फ्रेंड माइन। ओके जी, वही फर्स्ट तो माय गुरु वो मैं जब कोरोना हुआ था तब मैं छोड़ने वाला था बिकॉज ऑफ माय फैमिलीज कंडीशन। सो दैट टाइम माय कोच माय ब्रदर कन्विंस माय पेरेंट्स टू कंटिन्यू दिस फील्ड, सो बिकॉज ऑफ हिम अगेन आई वाज रिबोर्न इन दिस imaginary, but this is for you boss nongle namba abilas kombram. So one more to him. But wo unke liye, and third who supported me through like when I was suffering a lot, to Mr. Kiran Kumar sir for you know supporting me always till now, and this goes to my friend who is holding the camera Deep Singh. Yes, Taylorist. Come on. Chalo, good. खिलाओ सर को खिलाओ, दीप सर को खिलाओ।
देव ग्रेट 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 अबे खिलाओ अबे मतलब जिधर केक उड़ेगा मतिन जोड़पा काटी करा नहीं रहेगा चलो चलो काटो अभी सब खाते हैं और सार का भी बाकी है ना हो जाएगा बाद में खा लेगा पीस पीस काटो राक्षस खाने में राक्षस तो अभी सोचता होगा कि एक साल कैसे गुजर गया इतना बहुत कुछ झेला एकदम सेंचुरी 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 तक सेंचुरी सेंचुरी कंप्लीट करेगा कादो कादो सर के साथ रहना इतना आसान बात नहीं है जैसे कि मैं सीक्रेट बातें आज मैं शेयर करूंगा जब भी कुछ होता था जैसे मैं डर गया तो मैं सीधा बिना बोल के मैं फिटनेस सेंटर में आकर बैठ जाता था सो अभी मैम के साथ शेयर करता हूं ना ये सीक्रेट है मुझे किसी को पता नहीं था और आज बस बोल रहा हूं फिटनेस सेंटर इज द सेफेस्ट प्लेस फॉर मी कुछ भी होने से मैं यहां पे आके सो दैट्स ऑल बट क्या बोलूं मतलब शी इज वेरी यू नो वेरी हंबल डाउनवर्ड And very supportive also. Very supportive. Yes, also. Yes, yes. The business man is supporting me. Mm. बहुत कुछ है जो मैं उनके साथ कहता हूँ. So she's very understanding. And that's all. और भी बहुत कुछ है. बोल मैं बोल बोलूँगा तो बहुत. मैं बहुत lucky feel कर रहा हूँ. मुझे मीन अच्छे से सीखने. ठीक है ठीक है. जो मुझे करने बोला वो. I'm feeling very lucky to have a wife like her. Good, good, good. एक जो अच्छा जो काउंसलर होता है हमेशा जो काउंसलिंग करता है देखो सभी को क्या होता है जॉब लाइफ फैमिली सब में बहुत कुछ क्वेश्चंस आ जाता है माइंड में काउंसलिंग के लिए मैं वही बोलूंगी आपके सर बेस्ट है मतलब बहुत अच्छे मोटिवेटर भी है yes, मुझे yes, yes. हर कदम पे सपोर्ट करते हैं वही तो ठीक है मम्मी और मेरी बहन मेरे पापा की तरफ से पापा भी आप नहीं मुझे पापा ही नहीं है ना क्वाल अभी आप टूट पर हो इसके तीनों के ऊपर टूट पर एकदम Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me Congratulations and jubilation